70 साल से 370 की ये बहुत बड़ी रुकावट एक देश एक संविधान इसकी राह में खड़ी थी। इस रुकावट को दूर करने की बातें तो बहुत हुई, साथियों इस रुकावट को दूर करने की बातें बहुत हुई लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर क्यों? क्या भारत के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है? जी नहीं, पहले भी बनी है। क्या पहली बार किसी दल को लगातार दूसरी बार आने का अवसर मिला है? जी नहीं, पहले भी मिला है। तो इस बार क्या परिवर्तन आया है? इसका जवाब यह है कि अब भारत संगठित है, सामूहिकता का भाव है और समस्याओं का सही समाधान चाहता है। ये बदला हुआ भारत है। कोई आंख दिखाए, ये डरने वाला हिंदुस्तान नहीं है। भाई और बहनों, 370 का हटना सिर्फ एक व्यवस्था का हटना नहीं है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। इंटीग्रेशन से इंक्लूजन को बल मिलता है, इंक्लूसिव सोसाइटी से इन्वेस्टमेंट को बल मिलता है। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री का विकास होता है तो इनोवेशन का कल्चर विकसित होता है। एक बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये कल्चर हम तैयार कर पाए तो इंक्लूजन के लिए, अलगाव के लिए, आतंक और हिंसा के लिए स्कोप अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और इसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि संपूर्ण भारत पर इसका पॉजिटिव असर होगा। साथियों, मैं मानता हूं ये जो फैसला लिया गया वो आसान नहीं था। जब भी यथास्थिति को हम बदलते हैं तो प्रतिरोध स्वाभाविक है, समस्याएं आना सामान्य है, लेकिन 21वीं सदी का भारत डर करके यथास्थिति में नहीं रहना चाहता और नहीं रह सकता है। 21वीं सदी का भारत चुनौतियों को कारपेट के नीचे दबाने का जोखिम नहीं ले सकता है।